अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरु मैथ यूट्यूब चैनल। अच्छा भाई, 2.4 एक्सरसाइज है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो इसमें भी हमने डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड करना है, लेकिन इसमें उसने कुछ नहीं कहा कि आपने बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या बाय चेन रूल या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, या बाय क्वोशेंट रूल, उसने कोई मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है। आपने जस्ट डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसको भाई सॉल्व करते हैं। इसको लिखते हैं पहले 3x + 4y + 7 इज इक्वल टू 0, टेकिंग डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ इसका डेरिवेटिव लिया, डी बाय डी एक्स 3x + 4y + 7 इक्वल डी बाय डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा जी 0 का डेरिवेटिव, ठीक है जी। तो इसका डेरिवेटिव लिया है जी, 3 आ जाएगा x का, तो आ जाएगा हमारे पास 1, 3x का 1 प्लस 4 एज इट इज़, ये y का आ जाएगा जी डी वाई बाई डी एक्स, प्लस 7 का आ जाएगा 0, क्योंकि कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है, डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट का 0 होता है, ये 0 हो गया, ठीक है। ये 3 बचेगा, 3 को उधर ले जाएं, 3 को उधर ले गए, तो ये इधर हमारे पास आ गया 4 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3। इस 4 को डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो आंसर है -3/4 विच इज रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है xy + y² इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसको भी हमने जो है वो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है इसका, ठीक है जी। तो ये इसको क्वेश्चन को लिखें पहले, xy + y² इज इक्वल टू हमारे पास है जी 2, ठीक है। इसको भी हमने डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड करना, टेकिंग डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, डी बाई डी एक्स xy + y² इज इक्वल टू 2, ठीक है जी। आप डेरिवेटिव लें, ये चूंकि दोनों एक्स और वाई मल्टीपल हो रहे हैं तो ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एक्स एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव जो है वो 1 हो जाएगा। अब ये पावर है वाई की, पावर रूल लगाएंगे, पावर पहले, पावर में से एक कम, और वाई का अगेन डेरिवेटिव जो है वो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये यहाँ पे हमने डेरिवेटिव जो है वो इसका भी लेना था, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। तो नेक्स्ट भाई, ये एक्स टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे प्लस वाई बच गया, प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब डी वाई बाई डी एक्स वाली वैल्यूज हम यहीं रखेंगे और दूसरी जो वैल्यूज हैं उनको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे इक्वालिटी के, ठीक है। इधर हमने रखा जी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, ये वाई उधर जाके माइनस का हो गया, ठीक है। अब भाई इसमें ये डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू -y। अब ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -y/(x+2y) विच इज रिक्वायर्ड आंसर। सेकेंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया जी। तो ये थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन है x² - 4xy - 5y इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको भी हमने डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन को लिखें पहले जी, x² - 4xy - 5y ये इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये लिखते हैं जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। तो ये डेरिवेटिव इसका अप्लाई कर दें, डी बाई डी एक्स x² - 4xy - 5y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, यहाँ पे आ गया जी 0, ठीक है। हाँ जी, x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी, हो जाएगा 2x, ठीक है। -4 बाहर ले लिया, अब इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगा दें, ये मैंने भाई प्रोडक्ट रूल की फॉर्म में ये लिख दिया इसको, -5y का आ जाएगा जी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x - 4 × अब x का डेरिवेटिव x एज इट इज, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 -5 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0,
ठीक है। अब ये इसको हमने भाई ओपन किया, 2x-4x dy/dx प्लस 4y, ये 4y हो गया माइनस 5 dy/dx इज इक्वल टू जीरो। अब जो dy/dx वाले हैं वो हम इस साइड पे रखते हैं, माइनस 4x dy/dx और ये माइनस का 5 dy/dx और इस 2x को और प्लस 4y को इसको उस साइड पे ले जाते हैं, ठीक है। ये 4y माइनस का होना था यहाँ पे, ठीक है, ये उधर जाके आपके पास वैल्यू हो गया जी 4y और माइनस का 2x, ठीक है। अब भाई dy/dx कॉमन ले लें, ठीक है, dy/dx यहाँ पे बच गया माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 4y माइनस 2x, ठीक है जी। अब माइनस 4x माइनस 5 को आप डिवाइड कर दें, ये dy/dx इज इक्वल टू 4y माइनस का 2x ओवर माइनस 4x माइनस 5, तो ये dy/dx इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं, dy/dx इज इक्वल टू इस माइनस को कॉमन लेके ऊपर मल्टीपल कर दें, ये माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये 2x माइनस 4y ओवर 4x प्लस 5, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की तरफ जी। तो ये 4 पार्ट है इसका, ठीक है, बड़ी लेंथी स्टेटमेंट उसने क्वेश्चन दे दिया ये। तो क्वेश्चन में कहता है कि 4x² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है, पहले क्वेश्चन को हम जो है वो दोबारा लिखते हैं, 4x² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। टेकिंग डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, इसका डेरिवेटिव अप्लाई किया, d/dx 4x² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx 2fy प्लस c इक्वल d/dx इंटू 0, ठीक है जी। तो इसको हमने डिफरेंशिएट करना है, अब ये तवज्जो से आप लोग देखिएगा, इसको फोकस करें, ठीक है। ये हो गया जी 4x², x² का तो हो गया 2x, ठीक है, ये हो गया जी हमारे पास 8x, ठीक है, प्लस 2h xy का डेरिवेटिव जो है यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, ये मैं एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को भी समझ आ चुकी है, डेरिवेटिव x एज इट इज y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy/dx प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 प्लस b। अब ये y स्क्वायर है, ये 2y इंटू y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy/dx, ठीक है जी। उसके बाद ये 2gx का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। आगे 2fy आगे जगह थोड़ी है, इसको आप यहाँ पे लिख लें, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2fy का डेरिवेटिव हो जाएगा जी dy/dx 2fdy/dx प्लस c का 0 इक्वल टू आ गया जी 0। अब इसमें इसको मज़ीद एक स्टेप लिखता हूँ, यह आ जाएगा जी 8x प्लस 2hx dy/dx प्लस 2hy प्लस ये हो गया जी 2by, y का जो है डेरिवेटिव dy/dx प्लस 2g प्लस 2f dy/dx, ठीक है, इक्वल बाई 0, ठीक है। तो अब जो डेरिवेटिव dy/dx वाले हैं वो यहीं रखें, बाकी सारी वैल्यूज उधर ले जाएं, 2hx dy/dx प्लस 2by dy/dx प्लस 2f dy/dx, आगे जगह थोड़ी है, ठीक है, ये 8x 2hy प्लस 2g, इनको दूसरी साइड पर ले जाएंगे उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, माइनस 8x माइनस 2hy और माइनस का 2g, ठीक है। इन वैल्यूज में से dy/dx कॉमन आ जाएगा, dy/dx 2hx प्लस 2by प्लस 2f
इक्वल, इनमें से माइनस का टू भी कॉमन ले लें, माइनस का टू कॉमन लिया, बाकी हमारे पास जो वैल्यूज बचेंगी यहाँ पे आ जाएगा जी 4x प्लस का एच वाई प्लस का जी, तो ये डी वाई बाई डी एक्स, इस सारी वैल्यू को उधर डिवाइड कर देते हैं और इसमें से टू कॉमन भी दे दिया, ठीक है, माइनस टू फोर एक्स प्लस एच वाई प्लस जी ओवर टू कॉमन लिया एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, ये टू टू से कैंसिल हो गया, ठीक है, बाकी हमारे पास इसका ये आंसर है डी वाई बाय डी एक्स माइनस फोर एक्स प्लस एच वाई प्लस जी ओवर एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके जी।